पत्नी पत्नी होती है, हमारे यहाँ पहली दूसरी का कोई सिस्टम नहीं होता है। उन्होंने जिसके बारे में कहा है वो बिहार से हैं, बिहार के नालंदा ज़िले से हैं और इस्लामपुर गांव से हैं। सर अपनी दोनों वाइफ के बारे में बता दीजिए, पहली कहाँ से है, दूसरी कहाँ से है? जो पहली हमारी वो भी बिहार से है, वो छपरा मुंबई से है। नाम बता दीजिए। रेहाना हैदर आजम। रेहाना जी है, रेहाना इज माय फर्स्ट वाइफ। ये मालवनी में इसके खिलाफ केस भी हुआ था जिसे देवेंद्र फडणवीस के कहने पर सेटल किया गया, ये जो आरोप है क्या कहें? ऐसा कोई केस नहीं हुआ है और ना इस तरीके का कोई बात है, ये झूठा और बेबुनियाद आरोप है। सर सेकंड वाइफ का भी नाम बता दीजिए जो इस्लामपुर। रेशमा। नवाब मलिक जी ने कहा है कि मलाला है कि अगर इंक्वायरी हुई थी और अगर, मैं तो बोलता हूँ अभी भी सरकार उनकी ये जांच करे और जांच में अगर पाया जाता है कि वो बांग्लादेशी है तो बिल्कुल उसको बॉर्डर पे छोड़ कर के आए, मैं खुद जा कर के छोड़ के आऊँगा। लेकिन वो भारतीय नागरिक है और शायद उनको, नवाब मलिक को ये नहीं पता है, आज सानिया मिर्ज़ा भारतीय होकर के पाकिस्तान में जाके शादी की है ना, हमारे भारत के कानून के हिसाब से भी उनकी जानकारी में कमी है, वो थोड़ी जानकारी ले ले। और ये तो सरासर बेबुनियाद आरोप है। उनके परिवार के लोग हैं जिनका दाऊद के साथ रिश्तेदारी है और सिर्फ रिश्तेदारी नहीं, आईएसआई के लोगों के साथ भी संबंध है। नवाब मलिक रिश्तेदार होना, देखिए किसी का भी एक रिश्तेदार होना वो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, वो इंसान जब पैदा होता है तो वो नवाब मलिक एक्टिव है। मैं वही बता रहा हूँ, नवाब मलिक के दामाद ड्रग पेडलर हैं, ये जग जाहिर है। नवाब मलिक के बेटे, उनका संबंध अंडरवर्ल्ड के लोगों से है, देवेंद्र फडणवीस जी ने उसका खुलासा किया कि किस तरीके से LBS मार्क के प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा, किस तरीके से वो कागजात का लेन देन हुआ। उसके बाद खुद नवाब मलिक जो है अंडरवर्ल्ड के लोगों से संबंध रखते हैं, उनका परिवार के लोग भी, सिर्फ मैंने कहा ना कि इसका खुलासा मैं 5 दिन बाद करूँगा, कि रिश्तेदारी ही नहीं बल्कि ISI के साथ संबंध है। तो जब संबंध मैं कह रहा हूँ तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो बिहार की हैं, बिहार के नालंदा ज़िले में इस्लामपुर नाम का एक गांव है, उस गांव की वो रहने वाली है। मैं पूरी तरीके से ये बात आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सारे आरोप जो है बेबुनियाद और झूठे हैं, जिसका कोई सबूत या तथ्य उन्होंने नहीं दिया। मैं आज आप लोगों को कुछ खुलासा करना चाहता हूँ। नवाब मलिक और असलम शेख, इनके अपने संबंधी अंडरवर्ल्ड के लोगों से, ISI के लोगों से है। नवाब मलिक ने आज सुरसुरी छोड़ी है, 5 दिन बाद मैं न्यूक्लियर के तौर पे उनको इस बात का जवाब दूंगा पूरा तथ्य के साथ में। नवाब मलिक के घर में ऐसा कौन शख्स है, वो कौन महिला है उनकी रिश्तेदार, जिनके संबंध, जिनके रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है। और इतना ही नहीं, उस महिला के ISI के लोगों से भी संबंध है, इसकी भी जानकारी पूरे तथ्य के साथ, पूरे प्रूफ के साथ 5 दिन बाद आपके सामने लाऊंगा। आज नवाब मलिक और असलम शेख ने कहा कि हम लोग बांग्लादेशी को बसाने का काम करते हैं। मैंने आज से 4 साल पहले एक पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मालोनी के इस क्षेत्र में बांग्लादेशियों को पनाह देने का काम असलम शेख कर रहे हैं, उनको फर्जी नाम से वोटर बना करके
उनका अपना वोट बैंक का इस्तेमाल करने का काम वो कर रहे हैं और ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। आज मालवनी के अम्बोजवाड़ी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यहाँ पर ये था कि आप मालवनी के अम्बोजवाड़ी इलाके का दौरा करें तो आपको पता चलेगा कि असलम शेख ने ऐसे कितने बांग्लादेशियों को यहाँ पर पनाह दे करके रखा है। इसका जो क्षेत्र है विधानसभा का, आप उस इलाके का भी दौरा अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कितने बांग्लादेशियों को सिर्फ बसाया नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंट्स बना करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम ये लोगों ने किया है। असलम शेख की रिश्तेदारी, खुद नवाब मलिक ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रियाज भाटी के नाम का जिक्र किया। ये रियाज भाटी का फोटो है, ये उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ। रियाज भाटी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर रह चुके हैं। इस रियाज भाटी को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का मेंबर किसने बनाया? एनसीपी के लीडर शरद पवार जी। अगर ये अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है तो असलम शेख और उसका परिवार भी अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के लोगों के साथ कनेक्टेड हुआ, क्योंकि रियाज भाटी उसका रिश्तेदार है। असलम शेख का अपना समधी यानी उसकी बेटी का, जिसके बेटे के साथ विवाह हुआ है, शादी हुआ है, अहद खान, और रियाज भाटी की बहन अहद खान के साथ उसका निकाह हुआ है। तो मैं तो मांग करूंगा इस सरकार से कि ये दोनों मंत्री की जांच कराई जाए, उनके परिवार के लोगों की जांच कराई जाए कि इनके संबंध दाऊद इब्राहिम से और आईएसआई के साथ क्या है। वैसे तो मैं 5 दिन के बाद इसका पूरा खुलासा दूंगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं बैठूंगा मीडिया के सामने और इनको लोगों के सामने नंगा करने का काम करूंगा। लेकिन सरकार भी अपना काम करे कि इस तरीके का झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा करके लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिनका चरित्र खुद चरित्रहीन है, वो दूसरों पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे इतना ही कहना था। अंडर सेक्शन डिफामेशन केस फाइल करूंगा कल ही, और अंडर सेक्शन 499 500 आईपीसी के तहत नवाब मलिक को इस बात का कोर्ट में आकर के जवाब देना पड़ेगा। आपको अगर कुछ सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मैं वो प्रमाण आपको आने वाले 5 दिनों में दूंगा। आज उन्होंने मुझ पर जो बातें कही है उसका खुलासा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नवाब मलिक और असलम शेख के जो रिलेशन, रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है, उन दोनों का खुलासा मैं 5 दिनों के बाद विद प्रूफ करूंगा। दाऊद से भी है, आईएसआई से भी है, उसके बारे में रेडी कौन थी नवाब के घर? नवाब के घर में उनके भाई की पत्नी, भाभी उसकी, उस हाँ नवाब की भाभी या बहू, क्योंकि वो शायद छोटा भाई है, उसके संबंध, उसकी रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है। और सिर्फ रिश्तेदारी नहीं बल्कि आईएसआई के साथ भी संबंध है, इसका खुलासा मैं करूंगा आने वाले दिनों में। सर, तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया था, क्यों वेट कर रहे थे? देखिए, कुछ चीज़ें हमारी जानकारी में नहीं थी, हमने उसके लिए जानकारी लेना इकट्ठा शुरू किया, अब हमारे पास उसकी जानकारी आनी शुरू हो गई है, इस वजह से उसका खुलासा हम करेंगे। तो सर, ये तो सडनली हुआ ना, उन्होंने हाइड्रोजन बम किया तो आपने देखिए उन्होंने क्या किया, जिसके संबंध, जिसके घर खुद शीशे के हैं, वो दूसरों पर पत्थर मारने का काम कर रहे हैं। सुबह नवाब मलिक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के उसमें मेरे खिलाफ़ उन्होंने कुछ बेबुनियाद बातें कही,
कि मैं बांग्लादेशी नागरिकों को पनाह देता हूँ, बांग्लादेशियों को बसाता हूँ, उस विषय को लेकर के आज अभी आप लोगों के साथ बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। सबसे पहले तो नवाब मलिक ने जो कहा वो पूरी तरीके से झूठी बात है और बेबुनियाद बात है। नवाब मलिक भंगार का काम करने वाले आदमी हैं, उनका दिमाग भी पूरी तरीके से भंगार हो चुका है। नवाब मलिक का दिमागी संतुलन पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, इसलिए वो बहकी बहकी इस तरीके की बातें इन दिनों में कर रहे हैं। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे